जरा गौर से देखें इस तस्वीर को। इस तस्वीर में यह बुजुर्ग के साथ पीछे खड़ी महिलाएं एक ही परिवार की सदस्य हैं। यह पूरा परिवार लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का शिकार हो गया है। पैसे के अभाव में इनकी दिनचर्या व दशा खराब हो चुकी है। दरअसल आपको पूरे मामले से अवगत कराते हैं। यह मामला बासडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बकमा गांव का है, जहां के रहने वाले यह बुजुर्ग अवधेश पांडे हैं और इनकी घर की सदस्य महिला है। इनका कहना है कि बासडी इंटर कॉलेज में कार्यरत राजन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने बीयर ठेके का लाइसेंस दिलाने के नाम पर कई किस्तों में 30 लाख रुपए ले लिया, पैसा लेकर फरार हो गया। ना ही बीयर का लाइसेंस मिला और ना ही हमारे पैसे। पीड़ित बुजुर्ग और महिला सदस्य ने बताया कि हमने अपनी जमीन बेचकर लाइसेंस के नाम पर राजन सिंह व्यक्ति को पैसा दिया, जिसने हमें धोखा देकर फरार हो गया। अब हम लोग परेशान हैं। एसपी बलिया से न्याय की गुहार लगाई है और बासडी थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित अवधेश पांडे और उनके घर की महिला सदस्य ने जिला पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि साहब, हम फर्जीवाड़े का शिकार हो गए हैं। हम चाहते हैं कि उस फर्जी व्यक्ति को पकड़कर उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए हमारा पैसा दिलाया जाए, ताकि दोबारा वह और किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा ना कर सके। बी और बार के संबंध में वो हमसे बात हुआ और बाद में वो हमेशा आता जाता रहा, संपर्क बन गया घरेलू जैसा, घर जैसा। और बीयर बार के संबंध में वो पैसा मांगने लगा कि 30 लाख रुपया हमको दे दीजिए, हम करा देंगे। तो कई टर्न में जो है अपना वो पैसा लेते गया। अब मांगने पर वो भागा फिरता है, टाइम निकाल करके कभी आज देंगे तो कल देंगे, परसों देंगे, दो महीने के बाद देंगे, और गाली गलौज भी करता है। मैंने अपना ज़मीन बेच करके दिया है, कुछ दूसरों से ले करके दिया है। 30 लाख रुपया टर्न में कई पार्ट में लिया है जी। क्या नाम है उसका? राजन सिंह, पुत्र धर्मेंद्र सिंह, ग्राम ताखा। नहीं बुलवाए तो अब हम लोग अब इधर उधर अब उसी के चक्कर में पड़े रह गए। फिर फ़ोन से वो बात करने लगा कि हम फलाने तारीख को देंगे तो फलाने तारीख को देंगे। ऐसे करते करते समय टालता गया, उसके बाद से नहीं आया। तो फिर आपने फिर कभी कहीं सुनने में कि आपने मुकदमा कहीं दर्ज कराया है? जी, मुकदमा तो मैंने दर्ज कराया है यहाँ बासडी थाने में। उसके बाद फिर एसपी से मिले? बोलिए, एसपी से भी जा करके मिले थे। एप्लीकेशन वहाँ हम दिए। क्या बोले वो? तो फोन किए यहाँ बासडी के लिए जी। रुकिए, आपको बता दें ये मामला अभी यही खत्म नहीं हुआ। इस पीड़ित परिवार के साथ साथ बासडी के रहने वाले तकरीबन आधा दर्जन से कम लोग भी उस राजन सिंह नाम के व्यक्ति के फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं। सभी लाखों रुपए की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के शिकार हुए लोग एक जगह इकट्ठा होकर उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 3 से 4 लाख के फर्जीवाड़े के शिकार हुए दूसरे व्यक्ति ने भी उनके साथ हुए धोखाधड़ी की कहानी सुन लीजिए। मामला देसी शराब का आवंटित लाइसेंस आवंटित कराने का मामला है। हमसे 2020 में 3 लाख 80 हज़ार रुपये राजन सिंह गोलू, जो ताखा निवासी है, वो हमसे 3 लाख 80 हज़ार रुपये लिया है, जो आज तक ना ही लाइसेंस दिया और ना ही पैसा दे रहा है। आप लोग उससे पूछे नहीं कि कहाँ नहीं दे रहे हो? पूछने बताता है कि पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है विभाग में, वहाँ से मिलते ही आपको देंगे। विभाग में मैंने जाकर पता किया तो वहाँ से पता चला कि आप लोग के नाम से कोई यहाँ पे फार्म ही फिलअप नहीं हुआ है। फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत हम लोग बासडी थाने पर किया है। ठीक। और उनके घर पर जाने पर उनके घर के लोग बोलते हैं कि ज़मीन पे लोन करा के देंगे तो एक महीना बाद देंगे, तो अब डायरेक्ट मना कर रहे हैं दोनों लोग कि आप पैसा ही नहीं देंगे आपका। कब से ये मामला आपके साथ चल रहा है? 2020 से। अभी कितना साल हो गया? 2023 चल रहा है। इस बीच अभी आपने अभी लास्ट पहले कब संपर्क किया अभी अपडेट? संपर्क देखिए, बासडी में वो 2019 में आया था। 2019 में आने के बाद से एक दूसरे से संबंध बना करके और सबको गुमराह करता रहा।
गुमराह करने के बाद से अगर मेरा कुछ कराना है तो हमसे अलग बताएगा किसी और से, हमारे साथ और भी लोग हैं ठीक जो बाहर जिससे उसके साथ धोखाधड़ी में फंसे हुए हैं। कितने लोग लगभग? 3 लोग हैं। आपको बता दें कि गांव के मुखिया यानी गांव के प्रधान प्रतीक सिंह ने भी जिला प्रशासन से इस मामले पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आबकारी अधिकारी ने भी इस मामले को संज्ञान में लेकर लोगों को जागरूक किया। हम ये बताना चाहेंगे सभी लोगों को कि आबकारी विभाग द्वारा कोई भी लाइसेंस व्यक्तिगत रूप से या ऑफलाइन तरीके से नहीं दिया जाता है। upexciseportal.in के द्वारा सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसका विधिवत विज्ञापन दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। या जिस भी दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है उसका यहाँ के जो है दो बड़े सर्कुलेशन वाले अखबारों में भी उसका विज्ञापन दिया जाता है। यदि कि प्रत्येक 2-3 महीने बाद जो है सभी आपका निरीक्षकों का और मेरा अपना खुद का मोबाइल नंबर प्रकाशित किया जाता है समाचार पत्रों में। यदि किसी को कोई चीज़ जानकारी लेनी हो, कोई समस्या हो या कोई शिकायत करनी हो, वो उस फोन नंबर पर कर सकता है। जो है विभाग द्वारा 14405 के पोर्टल रही है, टोल फ्री नंबर है, वहाँ कोई शिकायत कर सकता है या कलेक्ट्रेट कंपाउंड के अंदर कार्यालय में मिल सकता है। हम उनको यही सलाह देंगे कि वो जो है बलिया पुलिस से संपर्क करके ऐसे ठगों के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई करें, FIR दर्ज करें। मैं प्रतीक कुमार सिंह, प्रधान बकवा, थाना वांसी, जिला बलिया। मेरे ग्राम सभा में अवधेश पांडे पुत्र विश्वनाथ पांडे ग्राम सभा बकवा के निवासी हैं। उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। दारू के दुकान के नाम पे राजन सिंह उर्फ गोलू जो ताखा का रहने वाला लड़का है उनसे 30 लाख रुपया दुकान दिलवाने के नाम पे ले लिया है और 2-3 लड़कों से भी पैसा लिया है जो बांसटी के निवासी हैं। मैं जिला कार्यकारी विष्णु प्रसाद दुबे। अब देखना यह है कि जिला पुलिस प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच कर कितनी जल्दी न्याय दिलाती है या पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लिए अधिकारियों के चौखट खटखटाते रहेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।